तो दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी खबर मित्र ब्राजील की तरफ से निकल के सामने आ रही है और ब्राजील ने भारत को एक बड़ा ही अनोखा ऑफर दिया है। दरअसल इस समय ब्राजील की जो आर्मी है वो भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश के अंदर काफी ज्यादा रुचि रखती है और ब्राजील चाहता है कि भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की डील कर ले। वहीं पर भारत भी करीब 40 की संख्या में मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को अपनी वायु सेना के लिए खरीदना चाहता है। अब ऐसे समय में ब्राजील की तरफ से भारत को एक बड़ा ऑफर आया है जिसमें ब्राजीलियन आर्मी के जो हेड हैं जिनका नाम फर्नांडो डे सिल्वा है, उन्होंने भारत को यह ऑफर दिया है कि हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे के स्वदेशी हथियारों की डील कर लेते हैं और हम आपको आपके मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के टेंडर में हमारे KC-390 एयरक्राफ्ट को दे देंगे, उसके बदले में आप हमें अपना आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दे देना। यानी यहां पर ब्राजील चाहता है कि भारत के साथ वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और KC-390 एयरक्राफ्ट की डील हो। अब वैसे प्राइस की बात करें तो KC-390 2016 में $50 मिलियन का आता था, यानी 410 करोड़ का, और अभी इसका प्राइस करीब 60 से 70 मिलियन डॉलर यानी लगभग 500 से 550 करोड़ होगा, जबकि हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की एक यूनिट जो कि अभी आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो यह 2.5 करोड़ की आती है, वो भी 2009 की कीमत के अनुसार। बाकी आप सभी को क्या लगता है और क्या भारत को इस प्रकार की डील ब्राजील के साथ करनी चाहिए, हाँ या फिर ना, कमेंट बॉक्स में। फिर आप स्थिति का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।